जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज आ तो गए हम बहुत जल्दी, लेकिन यमुना जी की मीटिंग चल रही थी, वहां बैठ गए, इसलिए देर लग गई। देखो ये कार्य मीटिंग मीटिंग से नहीं होगा, ये कार्य न हम कर सकते हैं न कोई कर सकता है। कार्य होगा केवल भगवान की कृपा से। और अभी तक जितने कार्य हुए हैं वो सभी असंभव थे और हो गए। समय लगता है, 50 साल तक संघर्ष चलता रहा, 50 साल बाद पहाड़ों की जो विनाश हो रहा था उनका, इतने लंबे साल तक लड़ना ये भगवान की कृपा से संभव है, मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता। ये हुआ आराधना से, यात्रा के बीच में ही 46 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद गहवर वन सुरक्षित घोषित हुआ था। यात्रा हमारी चल रही थी, उसी बीच में खबर आई, जब यात्रा तालवन से नावगाए जा रही थी तब समाचार आया था कि हम लोग गहवर वन सुरक्षित घोषित हो गया। इसी तरह से बहुत से कार्य हुए हैं, कोई न मंत्री करेगा न कोई पार्टी करेगा न कोई नेता करेगा, ये काम होगा आप लोगों की कृपा से होगा। क्यों होगा? इस बार हमने कहा था यात्रा नहीं उठेगी, लेकिन यात्रा श्री ये उठाई और उठाई नहीं निभा दी। आप तो बहुत कुछ समय चला गया, थोड़े दिन रह गए। और ये यात्रा का ही पुण्य है जो यमुना जी को लाएगा। जब तक ये यात्रा चलती रहेगी देश के बहुत से बड़े से बड़े काम होंगे, क्योंकि इस यात्रा को हम लोगों ने राधा रानी की दया से पैसे का साधन नहीं बनाया, धर्म कमजोर कब पड़ता है? जब धर्म को राजस कर दिया जाता है, धर्म को तामस कर दिया जाता है, धर्म को सात्विक हेतु से भर दिया जाता है, अभिसंधा यो हिंसाम दम्भम मासरे मेवा, दम्भ हिंसा और मात्सर्य
ये तीन चीजें भक्ति को तामस कर देती हैं। और तीन चीजें भक्ति को राजस कर देती हैं, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव अर्चादो वर्चेद योमाम पृथक भाव स राजस। जब हम लोग विषयों का लक्ष्य बना लेते हैं, यश नाम कमाने के लक्ष्य बना लेते हैं, ऐश्वर्य बड़े बनने का लक्ष्य बना लेते हैं, तो धर्म राजस हो जाता है। और जब परसुन्मा तदर्पणम कर्म निर्हारम उद्देश्य हमारा कर्म नष्ट हो जाए, हमारी सदगति हो जाए, ये स्वार्थ रख के चलते हैं तो सात्विक हो जाता है। और तीनों कारणों को छोड़ करके चला जाए तो भक्ति होती है निर्गुणा, गुणातीत। और गुणातीत भक्ति में ऐसा सामर्थ्य है कि असंभव काम संभव हो जाते हैं। हमारी यात्रा, हम लोग कोशिश करते हैं, हम ये तो नहीं कहते हम बड़े सिद्ध हैं, लेकिन इसको राजस नहीं बनाते हैं। पैसा इसमें से बच जाए ये सोचते नहीं कभी। ये राधा रानी की दया है। और किसी से मात्सर नहीं करते, किसी दूसरी यात्रा से होड़ नहीं करते हैं, सांप्रदायिक वेश नहीं करते हैं, इसलिए भक्ति तामस नहीं बनती है। बड़े बड़े जो कार्य हुए हैं उसका कारण है कि मान मंदिर से जो यात्रा चलती है वो इन तीनों कारणों को छोड़ के चलती है। इसलिए जो भी काम शुरू हुआ वो देर लग जाता है लेकिन होता जरूर है। यात्रा चल रही है, यही पहचान है कि कार्य होगा। मीटिंग मीटिंग होती है, बैठ जाते हैं, लेकिन हमें जानते हैं कि मीटिंग से कुछ नहीं होना है। मनुष्य कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी कार्य होता है आराधना से होता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि राधा रानी चाहती हैं यात्रा चले, इसलिए हमने सोचा था बंद हो जाए, लेकिन श्री जी नहीं बंद करने देती हैं, वो चला रही हैं। हम अपनी झूठी तारीफ क्यों करें, हम तो भाई बंद कर चुके थे, लेकिन श्री जी ने कहा बंद मत करो, चलने दो। इसीलिए लगता है कि ये काम होगा क्योंकि यात्रा चल रही है। और यात्रा के बीच में ही आप देखना सूचना आएगी, किसी दिन मान लो इस साल नहीं आया तो अगले साल चाहे कब भी आए यात्रा के बीच में सूचना आ जाएगी कि जमुना जी आ गई।
कि नेता बेटा कुछ नहीं कर सकते। किसी नेता में अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म होता तो वो सब कामों को छोड़ करके पहले यही काम करते हैं। अध्यात्म त्याग चाहता है। तुमको गद्दी चाहिए, वोट चाहिए, तो तुमको भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? भगवान की कृपा तो तभी मिलती है जब प्रभु भी आकर के दे और तुम मत लो। नरसिंह भगवान आए और उन्होंने कहा, प्रहलाद तुम अपने पिता की गद्दी ले लो और राज्य करो। प्रहलाद जी ने मना कर दिया। मामाम प्रलोभय उत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैर्वरैः। भगवान सामने खड़ा है और दे रहा है तीनों लोक का राज जो हिरण्यकश्यप की गद्दी थी। और प्रहलाद जी ने कहा, मुझे आप लोभ में मत डालो, मैं तो जन्म से ही अनादिकाल से कामनाओं में आसक्त हूं, तो इसलिए आप हमको राजगद्दी मत दो। मना कर दिया। आप क्या गद्दी दोगे, आप क्या विषय दोगे जीव को, ये हमारा मन नहीं मानता। आपने जो ये कहा राज करो, वृत्ति लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेश चोदेर, आप देख रहे हैं कि हमारा भक्त एक कामनाओं में फंसता है कि नहीं फंसता है। नान्यथा ते खिलगुणो घटेत करुणात्मना। नहीं तो आप तो बड़े करुणा वाले हैं, माया से छुड़ाते हैं, आप माया में फंसा नहीं सकते। आपने हमारी परीक्षा के लिए ये शब्द कहे हैं कि तुम गद्दी ले लो। इसको भक्त कहते हैं। भगवान आकर के सारे त्रिलोकी का राज दे रहा है, भक्त कह रहा है हमें नहीं चाहिए। इसलिए आज सारा संसार भिखमंगा है। ये नेता बेटा सब बेचारे भिखमंगे हैं, भीख मांगते हैं, वोट दे दो वोट दे दो, भीख मांगते हैं। पृथ्वी जी से श्रीमद भागवत में कहा गया है, यौ धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन्। राजा जब कर तो ले लेता है टैक्स और धर्म नहीं सिखाता, तो प्रजा नाम शबरम भूमते, सारी प्रजा का पाप उस राजा को भोगना पड़ता है। भगम च स्वम जहाति सह, और अपना सब ऐश्वर्य खो देता है। किसी देश में चले जाओ, सब भीख मांगे हैं, वोट मांगते हैं, भीख मांग मांग करके राजा बन बैठे हैं। चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे चीन है, संसार के जितने देश हैं सबके राजा भिखमंगे हैं। ये कलयुग ने कर दिया है।
संसार में कोई राजा नहीं है, सब भिखमंगे हैं। ये बेचारे क्या कर सकते हैं? ये हमने इसलिए कहा कि अभी देर लग गई हमको, मीटिंग में बैठे रहे, बैठ जाते हैं लेकिन हम जानते हैं मीटिंग मीटिंग से कुछ नहीं होगा। ये तो प्रभु जब करेगा तब कोई रोक नहीं पाएगा। जमुना जी दौड़ती हुए आएंगी, कथा थोड़ी कह देते हैं ताल बन गई। पहले आप लोग ताल बन गए हैं, तारसी ताल बन में, श्रीमद् भागवत में और गर्ग संहिता में तो लिखा है दाऊ जी ने धनुकासुर को मारा, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है दाऊ जी ने नहीं मारा, कृष्ण ने मारा। अच्छा पहले ये बता दें, श्रीधर राधा राधा रानी वार्षिक प्रजात्सा 2015 इसमें अट्ठाईसवां दिन 21 नवंबर शनिवार दशमी को सतुआ में पड़ाव पड़ा हुआ है। तालबन कुमुदबन उस पार ऊंचा गांव नौगांव होते हुए आप सतुआ आए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि धेनुकासुर को दाऊ जी ने नहीं भगवान कृष्ण ने मारा, सब सही है, चाहे दाऊ जी ने मारा चाहे कृष्ण ने मारा, किसी काल में लीला में दाऊ जी ने किसी काल में कृष्ण ने। भागवत में और गर्ग संहिता में लिखा है कि ग्वाल बाल बोले भूख लगी है और ताल बन में पके पके ताल उनकी सुगंध आ रही है और हम लोग भोजन करना चाहते हैं ताल के सुंदर फलों का। श्याम सुंदर बोले तो जाओ खाओ, ग्वाल बाल बोले अरे भैया कन्हैया वहां एक गधा है असुर है उससे देवता भी डरते हैं। दाऊ जी बोले तो चलो देखा जाएगा। ग्वाल बाल चल पड़े ताल बन में, जाकर के पेड़ों को हिलाया और टपाटप फल गिरने लग गए। धेनुक जो गधा था जाग गया और गधा की बोली अलग होती, हैंचक हैंचक करता है, दौड़ा दाऊ जी के छाती पर दुलत्ती मारी। दुलत्ती कहते हैं पीछे के दो पांव उछाल करके मारता है, उसको दुलत्ती कहते हैं। दाऊ जी ने उसके दोनों पांव को पकड़ लिया और आकाश में घुमाया
और ताल के पेड़ पर पटक दिया। वो पेड़ टूट गया और उस गधे ने 100 करोड़ शेरों की ताकत थी उसमें, ऐसा बड़ा था। जब भी देवता डरते थे दाऊ जी ने जब उसको घुमा करके पेड़ पर पटका तब वो उठा और दाऊ जी को धक्का मारा। 1 योजन दूर चले गए दाऊ जी। फिर दाऊ जी ने उसको घुमा करके पटका उसको अच्छा सुनो, हंसी है अभी सामने होता तो कोई ना हंसता, सब लीड कर देते। दाऊ जी ने देखा सब डर गए हैं तो दोनों ने ऐसा घुमाया पटका कि उसका मस्तक फट गया। फिर उसने माया किया, गधे के सींग तो होते नहीं है लेकिन माया से उसने 4 सींग प्रकट कर लिए, बड़े बड़े सींग, और ग्वाल बालों पर झपटा। ग्वाल बाल बड़े बहादुर थे, ऐसा नहीं कि डर के भाग जाए, केवल दूध दही चुराने वाले नहीं थे। श्री रामा ने कहा अरे पीछे मत भगो चलो, दाऊ दादा अकेले हैं। श्री रामा ने डंडे उठाए और मारना शुरू किया। सुबल ने दुख मुष्टि मारा, तो कृष्ण ने पाश, अर्जुन ने लात मारना शुरू किया। तेजस्वी नाम के सखा ने उसकी गर्दन पकड़ लिया। बरूथप इस सखाओं के नाम हैं, गेंद से मारने लग गया। कृष्ण आए, उन्होंने उसको उठाया घुमा करके और गिरिराज पर्वत पर पटक दिया। दो घड़ी तक मूर्छित रहा और फिर उठा गुस्से में। कृष्ण को 1,00,000 योजन ऊपर आकाश में ले गया। आकाश में 1,00,000 योजन दोनों में युद्ध होने लग गया और कृष्ण ने उसको वहां उठने ऊपर से पटका, नीचे गिरा मूर्छित हो गया। थोड़ी देर में होश आई और गिरिराज पर्वत को उखाड़ करके कृष्ण के ऊपर मारा। कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को पकड़ करके उसके मस्तक पर दे मारा। गिरिराज पर्वत को गेंद जैसा बना करके दोनों एक दूसरे को मारने लग गए। फिर उसके बाद
दाऊ जी के छाती पर दुलत्ती मारी और गर्जना करने लग गया। हाँ भाई, एक बार और गर्जना हो जाए। दाऊ जी ने फिर उसको पटका और एक दुख मारा उसी में। बस मर गया। अब की मर गया तो राजा बहुलाश ने पूछा, महाराज ये कौन था? अब ध्यान से सुनो, अब तो हंस लिए, इसके बाद ध्यान से सुनना चाहिए। ये धेनुकासुर कौन था? तो बोले प्रहलाद का जो बेटा विरोचन था, विरोचन का लड़का हुआ बली, महाराज बली, जिसके द्वार पर भगवान ने भिक्षा मांगी। और बली का सबसे बड़ा लड़का था साहसिक। बड़ी शक्ति थी इसमें, इतनी शक्ति थी 10,000 स्त्रियों के साथ एक साथ भोग कर रहा था। अब सोचो कितनी शक्ति थी इसमें। गंधमादन पर्वत पर भोग भोग रहा था 10,000 स्त्रियों के साथ। जैसे रावण भोगता है जितने देवांगनाओं को उतने शरीर बना दिए। और भोग भोगते भोगते बेसुध हो गया, डूब गया ऐसा भोग में। ये भूल गया कि यहां पास में दुर्वासा जी तपस्या कर रहे हैं। दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे। सोचो महाराज बलि का जो वंशज था, बली का सबसे बड़ा लड़का था, राजा बली, जिसके दरवाजे भगवान तीन लोग के नाथ भिक्षा मांगने गए थे, उसका सबसे बड़ा लड़का था सासिक। महाराज बली ने देवताओं को जीत दिया था, जितने देवता सब हार गए थे, उनका सबसे बड़ा लड़का था साहसिक। इसमें इतनी शक्ति थी 10,000 देवांगनाओं को पकड़ करके भोग भोग रहा था। और भोग भी कैसा निर्लज्ज, नंगा, सब स्त्रियां नंगी, और कभी किसी को पकड़े कभी किसी को पकड़े। दुर्वासा जी वहां भजन कर रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी, भोगी भोग में चाहे जो बकता है, चाहे जो चिल्लाता है, गंदे गंदे शब्द बोलता है, भोग में भूल जाता है, कंदरा से बाहर निकले
खराव पहने हुए देखा, ये तो राजा बलि का बेटा है, महाराज बलि का सबसे बड़ा बेटा, और पशु की तरह भोग भोग रहा है नंगा। पशुओं में सबसे ज्यादा भोगी गधा होता है, यो तो घोड़ा भी बड़े तेज दौड़ता है, लेकिन गधे की इंद्री बहुत बड़ी होती है, घोड़े से कई गुना बड़ी होती है, और बहुत बड़ा भोगी होता है गधा। जो भोगी होते हैं वे गधे बोले जाते हैं। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा था कि तुमने हमको बड़ा दूल्हा बनाया, हमसे प्रेम किया, क्या फायदा, हम तो समुद्र में रहते हैं राजाओं के डर से भाग करके, बड़े बड़े शिशुपाल वगैरह जरासंध राजा थे, उनको तुमने क्यों नहीं भरा। तो रुक्मिणी जी ने जवाब दिया था, तस्या सुरक्षित नृपा भवतो बदिष्टा, आपने जिन राजाओं को नाम लिया वो उसी स्त्री को मिले जिसने आपका कभी नाम नहीं सुना। तस्या सुरक्षित नृपा भवतो बदिष्टा, स्त्रीनाम गृहेषु खर गोश्व बिडाल भृत्या, संसार के जितने भी राजा हैं, भोगी हैं, भोग भोगने वाले हैं, ये पांच तरह के होते हैं। खर माने गधा, हर मनुष्य ब्याह करता है भोग के लिए, भजन के लिए नहीं, तो गधा होता है, भोगी होता है। लोग बहुत सी दवाइयां खाते हैं विदेशों में, ब्राउन शुगर जाने क्या क्या, भोग के लिए। हमारे यहां वैद्य जी हैं, वो बताते हैं ये सब बेवकूफ लोग हैं, ब्राउन शुगर वगैरह खाते हैं। अरे गधे का पेशाब पियो, अपने आप तुम्हारे में भोग शक्ति बढ़ जाएगी। और कितने लोग पीते हैं, गधे के पेशाब में जो शक्ति है वो ब्राउन शुगर में नहीं है। इसलिए संसार के जितने भोगी हैं उनको गधा कहा जाता है, जिनका भोग लक्ष्य है। 100% लोग ब्याह करते हैं भोग के लिए, वो सब लोग रुक्मिणी जी बोली गधे हैं। खर माने गधा, गो माने बिजार, बैल, ये एक गाय से नहीं सैकड़ों गायों को हरी करता है। ये जितने भोगी लोग हैं या गधे हैं या बैल हैं या तीसरे कुत्ते हैं, कुत्ता भी जब भोग करता है उल्टा घूम जाता है, और जितनी भी कुतियाएं हैं वे अंत समय में भोग से उनकी योनि उलट जाती है।
योनि पीड़ा से मरती हैं, क्योंकि कुत्ता ऐसे ही है करता, उल्टा हो जाता है। ऐसे मनुष्य भोग में चाहे स्त्री को कष्ट हो चाहे कुछ हो, वो अपने भोग सुख के लिए सब कुछ कर लेता है। तीसरे कुत्ते गधा बिजार कुत्ता और चौथे होते हैं बिड़ाल बिल्ला, ये बिल्ली को मार डालता है। ज्यादातर पति लोग दहेज के लोभ में या किसी लोभ में स्त्री की हिंसा कर देते हैं, मार देते हैं। अब पांचवे भृत्यदास, तो रुक्मिणी ने कहा कि संसार के जितने लोग हैं भोगी, ये इन पांचों में आते हैं, या गधे हैं या बिजार हैं बैल या कुत्ते हैं या बिडाल हैं जो हिंसा कर देते हैं या तास बन जाते हैं नौकर। इन पांचों से वही स्त्री प्रेम करेगी जो आपके नाम को जिसने नहीं सुना है। तस्या सुरक्षित नृपा भवतो विदृष्टा स्त्री नाम गृहेषु खरगोषो बिडाल भृत्या यत् कर्णमूलम् अरिकर्षणनोपयायात् युष्मत् कथा मृग विरंच सभा सुगीता। आपकी कथा महादेव ब्रह्मा ये लोग सुनते हैं गाते हैं। जिस स्त्री को कृष्ण रस की एक बूंद भी मिल गई है, वो इन गधों को इन कुत्तों को इन बिलाओं को इन दासों को कभी भी अपना पति नहीं बनाएगी। रुक्मिणी जी ने कहा ये बड़ी सच्ची बात कही गई है। संसार के जितने भी पति हैं इन पांचों में कोई न कोई होता है, या तो गधा होगा वो, या बिजार होगा, या कुत्ता होगा, या बिलाव होगा, या दास। पांच तरह के पति होते हैं। तो मैं इन गधों को इन कुत्तों को इन बिलावों को नहीं चाहती हूं, इसलिए मैंने आपको वर्ण किया। तो दुर्वासा जी ने कहा अरे महाराज बलि का लड़का, महाराज बलि का लड़का होकर के और नंगा 10,000 स्त्रियों से भोग भोग रहा है गधे की तरह, जा तू गधा बन जा। जब वो गधा बन गया तो दुर्वासा जी की शरण में गया। ओह, एक क्षण में उसकी शक्ल बदल गई, आवाज बदल गई और दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए। सारी शक्ति चली गई, भक्त वो शक्ति है। दुर्वासा जी ने कहा 400,000 वर्ष तक तू गधा बन, 400,000 वर्ष बाद तालवन में दाऊ जी तेरा उद्धार करेंगे। तो जिस भगवान की प्राप्ति करोड़ों वर्ष तपस्या करने पर नहीं होती है, उस भगवान की प्राप्ति 400,000 वर्ष गधा बनने के बाद हो जाएगी। तो ये वरदान था, महात्माओं का क्रोध भी वरदान होता है।
ये तो भागवत और गर्ग संहिता के हिसाब से सुनाया। ब्रह्म वैवर्त में ऐसी कथा है, श्याम सुंदर बोले दाऊ जी ये जो धेनुकासुर है ये तो राजा बलि का पुत्र है, ऐसाहसिक है, सारे देवता इसको नहीं हरा सकते, तुम इन बच्चों को लेकर दूर जाओ, मैं अकेले इसको देखता हूं। गोविंद आगे आए अकेले और धेनुकासुर के आगे आ गए। उसने देखा कंस का सखा था, ओहो तू ही है कृष्ण, मैं तुझे बहुत दिन से ढूंढ रहा था, राजा कंस का प्रिय करूंगा मैं, ऐसे कह करके वो कृष्ण को मुंह फाड़ करके निकल गया। गोपाल जी उसके मुंह में घुस करके और भीतर पहुंचे तो उन्होंने भगवान ने अग्नि रूप धारण कर लिया। अग्नि रूप धारण किया, सारा शरीर जलने लग गया, तो उगल दिया उसने कृष्ण को। कृष्ण बाहर आए और उनका सुंदर रूप देख करके उसकी दानवी बुद्धि चली गई और पहचान गया कि ये तो भगवान है। प्रभु की स्तुति करने लग गया, आप ही तो हमारे पिता से बामन भगवान बनकर के आपने भिक्षा मांगी थी महाराज बलि से, और आपने ही हमारे पिता को सुतल लोक दिया था, आप भक्तवत्सल हैं, हमने भोग के कारण गधा योनि पाई है, हे गोविंद आप चक्र से आप हमारा उद्धार करो आसुरी योनि से। धेनुक ने भगवान की स्तुति किया, उस स्तुति को करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो कृष्ण सोचने लग गए ये हमारी स्तुति कर रहा है, मैं कैसे मारूं, तो उसकी बुद्धि हर लिया उन्होंने, बुद्धि हर लिया तो फिर वो आसुरी भाव में आया और बोला अरे मनुष्य के बच्चे अभी मैं तुझको जब लोग भेजता हूं, कहकर के टूट पड़ा और बड़ा भारी युद्ध हुआ दोनों में। कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काट दिया और उसके शरीर से एक तेज निकला तो भगवान के चरणों में लीन हो गया। राजा बहुराष्ट्र बोले कि ये कौन था धेनु, बोले ये महाराज बलि का लड़का था, साहसिक, बड़ा बलशाली था, बलशाली था, जमी तो 10,000 स्त्रियों के साथ एक साथ बहुत भोग कर रहा था। एक बार तिलोत्तमा सबसे सुंदर है, ब्रह्मा जी ने तिल 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 सुंदरता इकट्ठा करके तिलोत्तमा बनाई एक नारी, उससे सुंदर कोई स्त्री नहीं थी दुनिया में। तिलोत्तमा
को चंद्रमा ने अपने पास बुलाया। चंद्रमा बड़ा सुंदर है, तिलोत्तमा जा रही थी चंद्रमा के पास, रास्ते में साहसिक मिल गया, राजा बलि का पुत्र। तिलोत्तमा चंद्रमा को छोड़ गई, क्योंकि इसमें भोग शक्ति ज्यादा थी। उल्टा स्त्री होती है वो भोग ही चाहती है, जैसे गधा भोग चाहता है वैसे जो स्त्रियां केवल भोग चाहती हैं वो गधी होती हैं। ये उल्टा थी तिलोत्तमा, चंद्रमा से मिलने जा रही थी, साहसिक से पकड़ लिया और उससे विहार करने लग गई। दोनों ही भोग में डूब गए और वही दुर्वासा जी भजन कर रहे थे। दुर्वासा जी ने जब आवाज सुनी, दोनों भोग में कभी उठे कभी नाचे कभी गिरे कहीं कुछ करें, तो उनके नेत्र खुल गए, ध्यान टूटा। कृष्ण स्मरण कर रहे थे और बोले, अरे राजा बलि के बेटे, तू महाराज बलि का बेटा होकर के और गधे की तरह निर्लज्ज भाव से भोग रहा है, जा गधा बन जा। फिर वो तिलोत्तमा की ओर देखते हैं, बोले, अरे उल्टा, तू जा रही थी चंद्रमा के पास और भोग के लिए तूने चंद्रमा को छोड़ा और साहसी को पकड़ लिया, जा तू भी दानवी बन जा। अब वो चरण में गिरी तो महात्माओं का क्रोध भी वरदान बन जाता है। तिलोत्तमा से बोले, जा तू बाणासुर की पुत्री बनेगी, उषा तेरा नाम होगा और कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध तुझसे ब्याह करेंगे और तेरा उद्धार हो जाएगा। तो उनका क्रोध भी वरदान बन गया, भगवान को मिला दिया। ये तो तालबन की बातें हमने सुनाई, इससे शिक्षा ये मिलती है कि मनुष्य को भोग से दूर रहना चाहिए। भोग सदा भगवान से अलग करता है। इसके बाद आप कुमुद बनाए, कुमुद वन में छाक लीला में एक बार श्री जी कुमुद वन में आई और श्याम सुंदर भी आए। राधा रानी ने दही गोपाल जी को भोग लगाया। गोपाल जी बोले, पहले आप राधे, पहले आप पालो, आपका धनामृत हम पाएंगे। तब श्याम सुंदर ने दही पहले राधा रानी को खिलाया।
और उसके बाद श्री जी ने वही दही ठाकुर जी को खिलाया। दोनों को अधर अमृत उस दही में आया और बहुत मीठा दही था। तो श्याम सुंदर ने सोचा ऐसा दही तो हमने भी आज तक नहीं खाया था, राधा रानी ने जमाया था और खिलाया। उस दूध का दही का पात्र लेकर के बाहर आए कुंज भवन के बाहर और ग्वाल बालों को बुलाया। इसको चलाओ भाई। बोले अरे कन्हैया आज जैसा दही तो हमने कभी नहीं खाया, बहुत दिनों तक तेरे साथ गाय चराई हमने, ये बड़ा प्रसिद्ध पद है, यहां गा ले क्योंकि फिर अगले साल जिसने देखा है यहां की खास लीला है। आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, बोले भैया ये तो मारो झूठो है। बार बार बोले भैया तेरो झूठो ही हमें अच्छो लगे। झूठो भावत मोहे प्यारो झूठो, भावत मोहे प्यारो झूठो, अरे इसको बंद क्यों कर दिया। भावत मोहे प्यारो झूठो, भावत मोहे प्यारो झूठो, चंचल नयन विशाल, जब ग्वाल बालों ने कहा कि हमें तेरी जूठन अच्छी लगे तो श्याम सुंदर स्वयं गए और पत्ता तोड़ के लाए और दोना बनाया और सबको बांटने लगे। आने पात बनाए दोना, आने पात बनाए दोना, ये भी गुंगा बाबा है। आने पात बनाए दोना, आने पात बनाए दिए सबन को बाट, दिए सबन को बाट। और बोले श्याम सुंदर जिसको नहीं मिला है हमारी हथेली उंगली चाट लो, जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी
महाराज बोले इतने दिन से हम तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, ऐसो स्वाद तो कबो नहीं आयो जैसो मीठो आज को दही है। बहुत दिन कृष्ण तिहारे ऐसो साग कदम नहीं चाहो हसावत मानस लीला रूप हसा रहे। अरे सुबर तेरी भेड़ों नहीं सी भाभी नहीं कही है ऐसे दही जमाए और सब हंस रहे हैं। हाँ बात तो ठीक कही क्या कि भाभी भेड़ों ही है, सब हंस रहे हैं ताली बजा रहे हैं। आखिरी पड़ी है परमानंद प्रभु हम सब जानत त्रिभुवन के रूप ये कुमुदवन की छाक लीला बहुत प्रसिद्ध है और हर मंदिर में बल्लभ कुल के यही पद जाता होता है कुमुदवन के बारे में। इसके अलावा सभी तीर्थों को भगवान ने ब्रज में निवास दिया। गंगा सागर को यहाँ कुमुदवन में निवास दिया। पहले कुमुद मने रात को खिलने वाले कमल यहां बहुत थे। कपिल जी की मूर्ति है, वल्लभाचार्य जी की बैठक है और ये जो लीला है इसके अलावा ग्रंथ संहिता के अनुसार इसको पद्म कुंड कहते हैं। इंद्रादि देवता गंधर्व आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड का मंत्र है प्रणाम करने का कर लो। इंद्रादि देव गंधर्वै इंद्रादि देव गंधर्वै
राकीर्ण विमलार्थिने राकीर्ण विमलार्थिने पद्मकुंडाय ते तुभ्यम पद्मकुंडाय ते तुभ्यम नाना सौख्य प्रदायिने नाना सौख्य प्रदायिने पद्मकुंड पर दोनों ने राधा ने कृष्ण का और कृष्ण ने राधा का श्रृंगार किया। पद तो बहुत बड़ा है, वैसे सुना देंगे गाएंगे नहीं। श्यामा श्याम की छवि साध मुकुट मंडल पीत पट छवि देख रूप अगाध। श्याम सुंदर आए, उनका मुकुट और पीतांबर देख करके श्री जी प्रिया हा हा करत पुनि पुनि देव प्रीतम मोहि अंग अंग सवारत भूषण दाते या छवि जोई। श्री जी श्याम सुंदर से उनके आभूषण उनके वस्त्र मांग रही हैं और श्याम सुंदर दे रहे हैं। काच कचनी पीत पट कट किनकिनी अतिशोभ हृदय बनमाला बनावत देख छवि बन लो। काचनी लाल श्याम सुंदर पहनते हैं, पीला पीतांबर, कटी में किंकिणी बड़ी सुंदर लग रही है, हृदय में बनमाला देख करके मन में क्षोभ लोभ पैदा होता है। कहां लगी गान करूं मैं मोहन कालिंदी थिर नीर बहाऊं। श्री जी बोली मैं कहां तक तुम्हारे रूप का वर्णन करूं, यमुना जी के नीर को बहाऊं, बेनी शीश फूल पहनो हरि तुम ब्रजभान सुता बन बैठो। और हे गोविंद तुम राधा रानी बन जाओ, बेड़ी जैसे बेड़ी गूथी जाती है, लाओ बेड़ी गूथूं और तुम ब्रिजभान सुधा बन के बैठो। त्यारो आभूषण मैं पहनूं अपनों तुम्हें पहनाऊं, तुम माननी मान कर बैठो मैं गही चरण मनाऊं। और तुम मान करो और मैं तुम्हें मनाऊं। तो ये लीला यहां पर कुमल मन में भई है। और पद्म कुट को तुमने प्रणाम किया, कुमुद बन का भी प्रणाम कर लो। कुमुद नाम गरमणी बन है, नाना आह्लाद देने वाला है, अनेक प्रकार के कुमुद और कल्हार कमल खिले हुए हैं, इसको नमस्कार है। ये मंत्र का अर्थ है। कुमुदाख्याय रम्याया कुमुदाख्याय रम्याया नानालाद विधायिने नानालाद विधायिने कल्लार नाना कुमुद कल्लार नाना कुमुद कल्लार
यहाँ कपिल देव की मूर्ति है, उनको भी प्रणाम कर लो। कपिल भगवान गुप्त भक्तियों को जानते हैं और अपनी माता देवहूति को भक्ति सिखाई। तो मंत्र है, गुप्त योग समायुक्त, गुप्त योग समायुक्त, कपिलाधिष्ठित स्थले, कपिलाधिष्ठित स्थले, कपिलाधिष्ठित स्थले, नमो ब्रह्मण्य रूपाय